तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं सौरभ और आप लोग देख रहे हैं नोमैडिक गेम्स। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख कर देख लीजिए, उस मंदिर पे ले चल रहा हूं। तो अभी हो रहा है सुबह का 5:30 और ये मेरी साइकिल है और इसकी दूरी मेरे घर से 8 किलोमीटर है। तो आप सभी को मैं ले कर चलता हूँ और अभी आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे तो एक गाँव दिखाई दे रहा होगा, ये जो गार्डन है इसके पीछे। तो ये बेसिकली शिल्पी राज जी का गाँव है और आप इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ है और उनके पूरे घर का वीडियो और पूरे गांव का वीडियो बनाया हुआ है। तो जो भी आपको देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये आपको आगे लेकर के चलता हूं है और आप देख रहे होंगे, तो आइए इसको लेकर के चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इसके साथ ही दोस्तों बता दूँ कि मेरा नाम है सौरभ और आप लोग देख रहे हैं नोमैडिक गेम्स। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है और आगे पकड़ी गांव दिखाई दे रहा होगा जो कि बेसिकली एक चौराहा है और यहां पे भी काफ़ी भीड़ लगता है और यहां पे एक बहुत फेमस स्कूल है जिसमें कि सभी हम दोस्तों ने कई बार इसमें भी पढ़ाई भी किया हुआ है। तो आप ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। एक सोलर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेम में जो कि अभी ये सामने है, तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है और ये कैसे पानी देता है, कैसे क्या होता है, सारा एक ही वीडियो में पूरा डिटेल समझाया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा एक बार और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। और उधर दूर खेत में देखेंगे तो कई सारे पशु हैं जो चर रहे हैं। तो आइए आपको ले कर आगे चलता हूँ। ये क्या है, ये तो नदी है। यहाँ पे मैं कैसे आ गया आप लोग सोच रहे होंगे। ये देखेंगे तो पूरा पीछे नदी है, ये काफ़ी गंडक नदी है ये। और इसके पहले इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पीपा पुल का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और इसके पीछे देखेंगे तो जस्ट ऊपर साइड में मंदिर है और वहाँ पर मेरा साइकिल अभी नहीं दिखाई दे रहा, मैंने साइकिल पार्क किया है। तो आइए मैं मंदिर में चल कर आप सभी को दर्शन कराता हूँ, वीडियो में बने रहिए। देखेंगे तो ये कैमरा में आ रहा होगा सामने आपको नज़र, ये तार का पेड़ है और मान्यता ये है कि यहाँ पे भी पूजा किया जाता है, काफ़ी सारे लोग पूजा करते हैं। और एक खास बात दोस्तों आप सभी को बता दूँ, जो आप ये पीछे देख रहे होंगे ये बंधा है और बरसात के दिन जब पानी आता है तो ये पूरा जो कपड़ा आपको बांधा गया इस पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है। और एक बार आप इसकी ऊँचाई देख लीजिए तो एक तार कैसे उतरे थे इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये मैं आपको सबसे पहले मंदिर दिखाता हूँ और ये यहाँ पे भी पूजा होता है, देखिए यहाँ काफ़ी सारे लोगों ने पूजा किया हुआ। ये क्या है, आपको ये क्या दिखाई दे रहा होगा कमेंट में बताइए और कमेंट में जो सही जवाब देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा कमेंट में ही। तो आप लोग को ये पीछे पूरा पेड़ दिखाई दे रहा होगा और ये आप सभी को बताना है कमेंट में ये कौन सा फल है। जल्द काफ़ी सुकून मिल रहा था, तो सबसे पहले हमने दर्शन किया गणेश भगवान का और यहाँ पे अंदर आया तो पूरा टाइल्स वगैरह अच्छे से लगाया गया है और बहुत ही अधिक खूबसूरत ये मंदिर दिखता है दोस्तों। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इसकी खूबसूरती का एहसास होगा। काफ़ी बढ़िया जगह पर है, नदी के पास शांत लोकेशन में है पर काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने दर्शन किया और मैं आगे की तरफ चल पड़ा। यहाँ पर घंटी बजाने के बाद से आगे जाने पर दोस्तों आगे आपको मिला श्री हनुमान जी का मंदिर और दिन भी था मंगलवार, तो यहाँ पे और भी अधिक फायदा हुआ आने का। तो हनुमान जी का हमने दर्शन किया और गणेश जी का दर्शन इसलिए पहले क्योंकि गणेश जी को मान्यता प्राप्त है कि सबसे पहले पूजा करो, तो गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले किया जाता है, इसका बहुत सारा तथ्य आप लोग और भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद से हम लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बाद से संतोषी माता जो कि माता दुर्गा की ही स्वरूप हैं, इनका हमने दर्शन किया
और जो भी पैसा है इससे सारे जो भी मंदिर हैं इन सबका निर्माण अच्छे से होगा और अच्छे से इसको पूरा सुसज्जित किया जाएगा और पूरा बसाया जाएगा। तो ये बबलू उपाध्याय जी ने जो पैसा दिया है लगभग 47 लाख रुपए वो इसी में लगने वाला है। तो इसके बाद हमने फिर एक हनुमान जी का एक और छोटा सा था तो इसको भी आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए आप 3-4 छोटे छोटे मंदिर हैं जिनका कि सुंदरीकरण करके और अधिक बड़ा किया जाना है। तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किया और कुछ ही दिनों के बाद से दोबारा से मैं आऊँगा यहाँ पे और जब सुंदरीकरण हो जाएगा तो और वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पे आने के बाद से काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। इतना दर्शन करने के बाद से दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो पीपल का पेड़ था और इसके कई सारे फ़ायदे हैं। और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वहाँ पे मंदिर में गाना चल रहा था जिसके वजह से लाइव बोल पाना संभव नहीं था तो मैं वॉइस ओवर कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बिलीव ना होइए कि कोई विधायक या कोई मंत्री एक छोटे से मंदिर के लिए इतना अधिक पैसा दे दे, तो उन सभी लोगों के लिए प्रूफ भी है तो आप आगे देखिए। तो ये आश्रम बनाने के लिए ये पैसा दिया गया जिसमें कि 2 लाख रुपये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक तरह से स्कूल है और स्कूल का पूरा डिटेल दिया गया था भाई, आप चाहें तो पीछे करके या स्क्रीन शॉट उसका लेके देख सकते हैं। तो अभी इसको स्कूल को बनाया जा रहा है और कुछ ही दिनों में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और 3 रूम है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और रूम है और यहाँ पे कुछ लोग चाय बना रहे थे और इन्होंने मुझे चाय पीने के लिए भी ऑफ़र किया। तो ये 2रा रूम देख लीजिए और ये 2 रूम रहेगा जो कि संस्कृत का पढ़ाई होगा इसमें मंदिर में ही। और ये 3रा जो रूम था ये ऑफिस के लिए था और इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ था। इन्होंने बोला कि इसका भी वीडियो बना लीजिए तो मैंने इसका भी वीडियो बना लिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनका कुछ सामान रखा हुआ था। तो यही था दोस्तों ये वीडियो और देखिए कैसा है ये वीडियो। दोस्तों सपाती माता का मंदिर और मैंने आप सभी को दिखाया और आशा कर रहा हूँ कि अच्छा लगा होगा। और मैं अभी नीचे जा रहा हूँ नदी की तरफ, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अपना पैर धुल लूँ क्योंकि ये जो शूज है मेरा, और मंदिर में जब भी आप कोई भी जाता है तो शूज वगैरह निकाल के जाना होता है, तो मैं भी अपना शूज यहीं पर निकाल करके गया हुआ था। तो अपने यहाँ पे पैर धुल लेता हूँ और उसके बाद से वीडियो को एंड करते हैं। तो इसके साथ ही मैंने अपना पैर वगैरह सारा धुल लिया और शूज भी पहन लिया है। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आशा कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो हैं उन सभी को भी आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो है और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाए हुए अलग अलग, तो उन सबको भी देखिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय सपाती माता, जय श्री राम, वंदे मातरम।